कोलकाता शाहीन बाग के ठोकर नंबर 7 पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब एक पुराने फर्नीचर के गोदाम पर आग लग गई। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। दरअसल एक पुराने फर्नीचर की दुकान और गोदाम था जो कि जलकर राख हो गया। आपको बताते चले कि इस आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल दमकल विभाग की 4 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी की जान का कोई नुकसान नहीं हुआ है। लकड़ी की दुकान थी, फर्नीचर वगैरह रखे हुए थे, शॉर्ट सर्किट हो गया, एक में आग पकड़ी, पूरे में फैल गई। बस ये था। किसी की जान माल? नहीं नहीं, कोई नहीं, किसी की जान माल बने, पुलिस वाले ने कंट्रोल कर लिया और ये फायर ब्रिगेड आ गई, सब कुछ नॉर्मल है। सिर्फ माल को आग लगी है, बाकी किसी को नुकसान नहीं हुआ, चोट भी नहीं लगी किसी के। लॉकडाउन